पहले के दौर में लोग एक दूसरे को चिट्ठियां लिखकर हालचाल किया करते थे। खत देने के बाद कई दिनों तक चिट्ठी के जवाब का इंतजार करना पड़ता था। आज जमाना अलग हो चुका है। जैसे ही किसी की याद आती है, इंसान फोन लगाकर बात कर लेता है। ऐसे में अगर कोई किसी को लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखे तो आश्चर्य होना लाजमी। जहाँ केरल के इडुक्की में रहने वाली कृष्णा प्रिया ने अपने 21 साल के भाई कृष्ण प्रसाद के लिए चिट्ठी लिखी है। ये चिट्ठी इतनी लंबी है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। ये चिट्ठी कृष्णा प्रिया ने अपने भाई को तब लिखी थी जब वो उसे ब्रदर्स डे पर विश करना भूल गई। अपनी बात रखने के लिए बहन ने इतनी लंबी चिट्ठी लिखी कि ये विश्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पेशे से इंजीनियर कृष्णा प्रिया ने अपने 21 साल के भाई कृष्ण प्रसाद के लिए चिट्ठी लिखी है। इस साल वर्ल्ड ब्रदर्स डे के मौके पर कृष्णा प्रिया अपने भाई के साथ नहीं थी और वे उन्हें विश करना भी भूल गई। इसके बाद जब भाई ने उन्हें मैसेज किया तो घंटों तक वो मैसेज देख भी नहीं पाई। ऐसे में भाई ने कृष्णा को याद दिलाने के लिए कुछ स्क्रीनशॉट्स भी भेजे। जब इस पर भी उनकी ओर से कोई जवाब नहीं आया तो उनके भाई ने उन्हें व्हाट्सएप पर ब्लॉक कर दिया। जब भाई ने उनसे बात करनी बंद कर दी तो कृष्णा ने चिट्ठी के जरिए अपनी बात रखी जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गई। चिट्ठी को कृष्णा प्रिया ने 25 मई से लिखना शुरू कर दिया। उन्होंने सामान्य पेपर पर लिखना शुरू किया था, लेकिन जब उनकी बातें खत्म नहीं हो रही थी तो उन्होंने दुकान से 15 पेपर रोल खरीदे। हर रोल को वो 12 घंटे में खत्म कर रही थी। आखिरकार ये चिट्ठियां आपस में जोड़ना मुश्किल काम था। किसी तरह जब वो उसे जोड़कर पोस्ट ऑफिस पहुंची तो उसका वजन 5.27 किलो और लंबाई 434 मीटर निकली। पार्सल में चिट्ठी देखने के बाद भाई कृष्ण प्रसाद दंग रह गया। उसने जब कोलकाता के यूनिवर्सल रिकॉर्ड फोरम को लेटर भेजा तो इसके रिकॉर्ड बनने की पुष्टि हुई।